क्या हुआ गोपी को? अरे नानी सास, मैं एक मिनट शांत रहूंगी, मुझे पूछने दो ना क्या बात हुई है। हेलो विद्या, हाँ बोल ना क्या हुआ है गोपी माँ को। सीरियल साथ निभाना साथिया में डॉक्टर कृष्णा को अब गोपी से प्यार हो गया है और उसने अब कोकिला के सामने गोपी के लिए शादी का प्रस्ताव रखा है, पर अहम की मौत के इतने सालों के बाद भी गोपी उस ट्रॉमा से बाहर निकल नहीं पाई है। तो आइए आपको ले चलते हैं इस शो के सेट पर, जहां सोना को ये बात विद्या से पता चली है। गोपी माँ की शादी की खबर अब साहिर को भी मिल गई है, जिसके वो सख्त खिलाफ है। चलिए सुनते हैं कि साहिर और सोना का इस सीन के बारे में क्या कहना है। जी अभी ये लोग डिस्कस कर रहे थे, लोग बात कर रहे थे, मैं पीछे से सुन लेता हूँ कि मैंने सुना है कि हमारे घर में जो डॉक्टर साहब आए हैं जो गोपी माँ का इलाज कर रहे हैं कोकिला दादी के साथ मिलकर, तो उनकी दिल में कुछ ऐसी धारणाएं चल रही है कि वो गोपी माँ से शादी करना चाहते हैं, विच इज़ आई डोंट लाइक, क्योंकि मेरे लिए अहम पापा से बढ़कर बड़े पापा से बढ़कर कुछ नहीं है। बट इनका पॉइंट इनकी जगह है, वही पॉइंट आप खुद बताएंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं। अभी 5 साल बीत चुके हैं, 5 साल। तो अहम पापा थे, वो गोपी माँ का बहुत ध्यान रखते थे। अब गोपी माँ बहुत अकेली हो चुकी हैं, डिप्रेशन में। तो पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आया कि कोई भी बंदा आके एकदम से उठ के कैसे बोल सकता है कि मुझे शादी करनी है। फिर उसके बाद जब मैंने कूल माइंड से सोचा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, कि गोपी माँ को एक सहारा मिल जाएगा, क्योंकि दादी सासू मैं अभी उनकी भी एज हो गई है, वो कितना ध्यान रखेंगी। वहाँ पे जो मेरी सासू माँ है, सासू माँ की एक और बहू आ गई है, वो लोग उनको टॉर्चर करते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों को पता है कि यार वो उनको टाइम से खाना नहीं देते, तो वो लोग क्या ध्यान रखेंगे। तो सोना बहुत थॉटफुल हो जाती है कि अगर ऐसा है भी तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि सोना को पता है कि कृष्णा मतलब लाइक बंदा अच्छा है, वो गोपी माँ का ध्यान रखेगा, उनकी केयर करेगा, उसको सॉफ्ट कॉर्नर है गोपी माँ के लिए। तो जो मेरे पति देव हैं उनको जब मैं अपना थॉट शेयर करती हूँ तो वो तो मेरे ऊपर भड़क जाते हैं।